नमस्कार, मैं मौजूद हूं अभी संत कबीर नगर में और यहां पर मैं मालती चौहान और विष्णु राज का जो कहानी है वो कहानी मैं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मालती चौहान का बीते रात आज बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। और यहां पर देख लीजिए पूरे जो यूट्यूबर्स हैं और यहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आए हुए हैं। मैं जानने का प्रयास करूँगा, आ जाइए थोड़ा सा, मैं जानने का इन लोगों से जानने का प्रयास यही करूँगा कि कैसे मालती चौहान जो है कि मौत का जिम्मेदार उनके कौन है। मालती चौहान तरीके से एकदम परेशान कर दिया, क्या कर रहे हैं, मानसिक तरीके से एकदम परेशान कर दिया गया था उस औरत को। तीन किसने किया था? विष्णुराज ने किया था, उसके पति ने किया था। जब से उस औरत ने शादी किया था तब से उसको परेशान कर दिया गया था, एकदम वो औरत परेशान हो चुकी थी। जब और अर्जुन के बारे में जो बताया जा रहा है वो कौन है? अर्जुन के बारे में बता, अर्जुन तो भाई था, भाई बना था। तो शादी कैसे कर लिया? शादी कर लिया उसको, जबरदस्ती शादी करवा लिया गया, जबरन शादी करवाया गया। जबरन भाई से कैसे मांग भरवा दिया जाएगा? जबरन मारपीट के मांग भरवाया गया। आप उसका ये आप लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, यहाँ पे आप लोग आए हैं और वीडियो में हंस रही थी कोई पति अपने पति। ये चीजें आप लोगों को भी जाननी चाहिए ना। क्या बोल करके कराया गया था शादी? अरे देखिए, अर्जुन का भी गलती है और विष्णु राज का भी गलती है, कोई अपने बीबी का। अर्जुन मेन बताया जा रहा है कि अर्जुन के वजह से ये सारी जो करा धरा गया, अर्जुन की वजह से हुआ। सब राधिका की वजह से हुआ है। राधिका कौन है? राधिका है जिससे विष्णु राज का अफेयर था। अच्छा, इसलिए वो मालती को अपने नहीं, इसमें किसका डीएनए टेस्ट करवाएगा? अब तो मार डाला ना उसको। इसमें तो संलिप्त, इसमें संलिप्त जो है राधिका, अर्जुन और विष्णु और राहुल भी है। तो आखिर क्यों एक विष्णु को क्यों टारगेट किया जा रहा है? चारों लोग हैं, हम तो कह रहे हैं चारों को होना चाहिए। ये जो मशहूर यूट्यूबर सबको क्या होना चाहिए, कह रहे हैं जितने लोग दोषी हैं सबको होना चाहिए सजा, सबको मिलनी चाहिए सजा। अर्जुन की वजह से हुआ, सबको होना चाहिए। अर्जुन हाथ पूरा है इसमें, अर्जुन का हाथ पूरा है, हम अर्जुन का हाथ इसमें है भैया। अगर आज उस साथ में ना होता तो आज ये घटना नहीं होती, हम पूरा कह रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी भाई लोग हैं सबको साथ देना चाहिए और अर्जुन को फया देनी चाहिए, अर्जुन को भी जाना चाहिए ना। और क्या, पूरा सहयोग देना चाहिए। बताइए आप लोग, सुनिए, जाना चाहिए। सुनिए आंटी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट आ जाइए, आ जाइए इधर। अगर ये बताइए अर्जुन छोटी छोटी बातों को जा करके उससे कहता था तब वो क्रोध में होती थी, तब दोनों में झगड़ा हो जाता था, परंतु राधिका के पास चला जाता था, उनकी बात यहाँ करता था, खराब खराब वीडियो बनाकर उस पर डालता था। कौन डालता था खराब खराब वीडियो? अर्जुन करता था। अर्जुन उतना ही दोषी है जितना ओ विष्णु, दोनों है ना, दोनों को मानना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे लोग बनी बताई, वायरल किया था ना राहुल भी तो किया था ना, वो भी दोषी है कि नहीं है? दोषी वो भी दोषी है, क्यों किया ऐसा काम, वो क्यों ऐसा काम किया, क्यों वायरल किया वो वीडियो को? ये कहीं ना कहीं परिवार को जो है तोड़ने का काम और बिखेरने का काम किया, यही किया है, राहुल किया है, राहुल और विष्णु। आप बताइए राधिका अब तक कहाँ बैठी है बिल में, उसके लिए कोई पब्लिक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्या बात है? इतना बड़ा हादसा हो चुका, राधिका इधर आ जाइए। ये जो है लोग कह रहे हैं, ये राधिका को दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मालती के मौत का जिम्मेदार राधिका है। पूरी तरीके से राधिका नहीं है, मैं कह रहा हूँ अर्जुन है, विष्णु राज है। ये चीजें देख लीजिए, यहाँ पे जो है यूट्यूबर्स जो है कि यहाँ बता रहे हैं कि मालती के मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन अभी इसमें जांच का विषय है और जांच जब होगी तब जाकर पता चलेगा कि मालती के मौत का जिम्मेदार है कौन। और तब तक मैं आपको अपडेट देता रहूंगा लगातार। अगर वो सुसाइड की है तो भी उसके जिम्मेदार ये चारों लोग हैं, अगर वो मारा गया है तो भी उसके जिम्मेदार ये चारों लोग हैं, अगर उस औरत को परेशान नहीं किया गया होता तो वो सुसाइड नहीं करती। कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से इतना तंग किया गया, उसके बाद जो है मालती यह कदम उठाने पर मजबूर हुई। कहीं ना कहीं इसमें जो है चारों लोग संलिप्त हैं और चारों लोगों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, मालती चौहान और विष्णुराज और उनके जो चारों लोग संलिप्त हैं उनके बारे में कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।